प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने तथा सड़क सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संभागीय परिवहन विभाग द्वारा एक जन जागरूकता वैन निकाला गया, जिसको विधायक विपिन सिंह, आरटीओ अनीता सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बीके सिंह, श्यामलाल के तिवारी एवं राघव कुमार कुशवाहा एवं सीमा गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। टीकाकरण की महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेश वासियों के लिए प्रत्येक आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड की याद रहे, सफाई दवाई और कड़ाई जीतेंगे कोरोना की लड़ाई। क्या करेंगे परिवहन विभाग ने जो है इस साल का प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ माननीय विधायक विपिन सिंह जी, जो गोरखपुर ग्रामीण अंचल के हैं, उनके कर्मियों के द्वारा हम लोगों ने कराया था। और हम लोग के सीधे और उनकी भी यही मंशा है, सरकार की भी यही मंशा है कि जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं कि दो पहिया वाहन वाले जो हेलमेट और चार पहिया वाले जो है सीट बेल्ट लगा के चले, जिसकी वजह से कम जो है सड़क दुर्घटनाओं में जो निरंतर संख्या बढ़ रही है उसमें कमी आ जाए और मृतकों की संख्या में भी कमी आए, घायलों की संख्या में कमी आए। उसके लिए सरकार बहुत प्रयासरत है, तरह तरह के नियम निकाल रही हैं, अब अभियान चला रहे हैं, हम लोग कैंपेन चला के आप लोगों तक, जनता तक जो है हम लोग पहुंच रहे हैं कि कृपया अपने जन जीवन में जैसे सामान्य काम करते हैं आप, उसी काम में एक और नियम आप लोग जोड़ लीजिए सड़क सुरक्षा के नियमों को। प्रतिदिन अपने अगर आप अपने जीवन साथ कर लेंगे जीवन में, तो आप लोगों को कम से कम अपने प्रियजनों को और अपने को खोना नहीं पड़ेगा। और यही अनुरोध है कि प्लीज़ जब भी आप लोग सड़क पर निकलें तो बहुत सावधानी से निकलिए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। थैंक यू।